नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन। 1 मई से आप सभी को पता है देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन जो है वो लग सके। इसके तहत योजना तैयार की जानी चाहिए थी। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 18 से 45 साल के आयु के लोगों के लिए वह टीके की आपूर्ति नहीं करेगी। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि लोगों को वैक्सीन खुद खरीदना होगा या फिर राज्य सरकारें उनके लिए वैक्सीन खरीदेंगी। इसमें यूपी और बिहार जैसे राज्यों ने तो कह दिया है कि वो वैक्सीन फ्री देगी, लेकिन कई राज्यों पर इसका भारी जो है असर पड़ेगा। जहां जितनी जनसंख्या, जहां जितनी पॉपुलेशन, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां 18 से 45 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में हैं, तो उनका खर्च बहुत पड़ेगा। वहीं अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां इस उम्र के जो इस ब्रैकेट के लोग हैं वो कम हैं, तो उनको जो है कम खर्च उठेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत जो है वो तय कर दी गई है। सीरम ने कहा है कि वह प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी एक डोज देगी। 600 रुपए में एक डोज यानी 1200 रुपए। वहीं राज्य सरकारों को ये वैक्सीन 400 रुपए में मिलेगी, यानी तब आप राज्य सरकारों के द्वारा अगर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है वैक्सीन तो 800 रुपए का खर्च पड़ेगा और प्राइवेट अस्पतालों को ये 1200 रुपए पड़ेगा क्योंकि 600 रुपए की एक डोज होगी। अब केंद्र सरकार ने जब स्पष्ट कर दिया है कि वो इसका खर्च नहीं उठाएगी तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की नीति पर जो है वो सवाल दागे हैं और पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि ये जो केंद्र सरकार का ये जो फैसला है, ये जो नीति है, वो मनमाना और भेदभावपूर्ण है। इसमें एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि कोरोना टीका की नई नीति के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से जो है वो पल्ला झाड़ा है। मुफ्त टीका उपलब्ध होना चाहिए था। और क्यों, उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके के अलग अलग दाम क्यों तय किए हैं, एक ही टीके की अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। इस नीति से लोगों को अधिक कीमत देनी होगी और राज्य सरकारों को भारी वित्तीय जो है वो नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। तो इस पर सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने एक बार फिर बेबाकी से अपनी राय रखी है और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो कांग्रेस एक्टिव है और मुद्दे पर सवाल उठा रही है, एक मजबूत विपक्ष की तरह अब कांग्रेस जो है अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सोनिया गांधी का ये सवाल जो है वो लाजमी है। तो प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही इसकी मांग की है कि इस नीति का पूर्ण मूल्यांकन किया जाए। निश्चित तौर पर कोई भी तार्किक व्यक्ति टीकाकरण की एक समान कीमत से होने वाले लाभ से सहमत होगा। इस मामले में दखल दीजिए और इस गलत नीति को बदलिए। देश का लक्ष्य यही होना चाहिए कि 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगे, चाहे उनकी आर्थिक हालत कुछ भी हो। तो इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जाहिर सी बात है आर्थिक हालत भी तो है, 18 से 45 साल में हर किसी की एक जैसी नहीं है। और अगर आप कहिए कि 1200 रुपए का एक व्यक्ति को टीका लगता है और किसी के परिवार में 4 लोग हैं तो 4800 का टीका लगता है। सो क्या हर कोई इतना खर्च वहन कर सकेगा? एक गरीब परिवार क्या इतना जो है खर्च उठा पाएगा या इतनी जद्दोजहद करेगा? उसको रोजाना जो कमाना है और खाना है, और कई आजकल तो है कि कमाई पर भी कहिए कि एक तरह से तालाबंदी है। तो ये जो हालात है, ऐसे में सोनिया गांधी का ये सवाल जो टीकाकरण की नीति को लेकर है वो लाजमी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी राय जो है आप साझा कर सकते हैं। आप जरूर लिखिए अपने कमेंट्स ताकि हमारी बात सही लोगों तक पहुंच सके और इस पर कोई एक्शन हो सके और जो है सही फैसला, सही निर्णय देश के हित में लिया जा सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।